क्या आपकी जिंदगी में सूनापन है, क्या आपकी जिंदगी में खालीपन है, क्या आपके अपने लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपका मेंटल पीस छीन लिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो आपकी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट रह गया है, आपकी लाइफ में कुछ अधूरा रह गया है, कुछ पूरा होता होता रह गया है। सो एक कम्प्लीशन होते होते कुछ चीज़ें रह गई हैं। आपकी लाइफ में कोई और है, आप दोनों की लाइफ में कोई और है, आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने दस्तक दे दी है, हर कदम कदम पर आपको धोखे मिल रहे हैं, हर कदम कदम पर आपके साथ विश्वासघात हुआ है, आप अकेले रह चुके हो, आप परेशान हो गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप आपको दिखाई देती है, एक उम्मीद की किरण आपको दिखाई दे रही है। आपके सिर पे बहुत बोझ है, आप परेशान हो चुके हो, आप दुखी हो चुके हो, इन लोगों की यादों से, इनकी यादों से, पास्ट की एनर्जी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, धोखा मिला है, अटक गए हो, एनर्जीज डाउन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो गया है जिसने आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी यादों को कहीं अटका के रखा हुआ है, पास्ट में ही रोक दिया है, आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। तो चलिए आज की रीडिंग आपके लिए है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग को, देखते हैं क्या बता रहे हैं आगे आने वाले कार्ड्स आपके पर्सन और आप दोनों के बारे में। आपके पर्सन अभी प्रेजेंटली आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि कार्ड्स कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज दे करके जाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी पास एनर्जीज आपकी हैं, फटाफट से उनका पर्सन का नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। सो अगर ये सिचुएशन आपकी भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी भी आ रही है और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन चले गए हैं और बहुत बुरी तरीके से आप वहाँ फंस चुके हो और जानना चाहते हो क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, तो शुरू करते हैं। कार्ड मैंने निकाल लिया है, जल्दी जल्दी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप अपनी विशेष ज़रूर लिखिएगा, आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, विशेष लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होंगी। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सो प्लीज इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट आया है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि पहले निकल के आई है। सो अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की फीलिंग्स की, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में अभी यही चल रहा है कि आपके साथ जो एक उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपने उनको दिया है या उन्होंने जो भी आपको दिया है, वो ऐसा उनको फील हो रहा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें नाप तोल में रह गई, मतलब आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया है, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है, एक अधूरापन आपको मिला है, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपके पर्सन ने किसी और को दे दिया है और वो बहुत अभी लो एनर्जीज में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड देखो, आप गिड़गिड़ाते रह गए, आप मांगते रह गए, लेकिन आपके पर्सन बहुत रूड हो गए, सेल्फिश हो गए और आपकी बेइज्जती की है यहाँ पर, आपकी इंसल्ट की है बहुत ज़्यादा, आपको गलत शब्द बोले हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट की गई हैं, आप बहुत ज़्यादा भी रेस्टलेस हो रहे हो, आप बहुत एक असहाय वाली एनर्जी में आ गए हो, आपको
आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ डिप्रेस और एंक्शस फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, रेस्टलेस बहुत हो रहे हो, क्योंकि आपका अपना पर्सन, आपका अपना इंसान, आपका अपना प्यार आपको आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कैसे कर सकता है, और आपकी फीलिंग्स को हर्ट करके वो दूसरी जिंदगी, दूसरे की जिंदगी में कैसे जा सकता है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, उसने ही आपको धोखा दिया। ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको अभी प्रेजेंटली हर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं इस कार्ड के अंदर जो कि परेशान करने वाली हैं, जिसकी वजह से अभी आपकी सुख चैन आपकी ज़िंदगी का पूरी तरीके से छिन चुका है। और देखो, जो आपने अपनी लाइफ के लिए मांगा था वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिला है, वो आपसे छिन गया है, किसी और के हाथ में चला गया है। सो ये सब चीज़ें मुझे अभी दिखाई दे रही हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखो, फिर से पेंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब है कि चीज़ें थोड़ी ना स्लो हुई हैं, ये प्रोसेस स्लो हुआ है। मीटिंग्स हुई हैं इन लोगों की, मिलते थे ये लोग ऑफिस में कहीं मीटिंग के टाइम पर या कहीं बाहर, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इनकी ये लोग काफ़ी टाइम से मिलते हुए आ रहे हैं एक दूसरे से, एंड आपसे छुपाया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, आपसे आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दी गई है ना। आपके साथ आप सारा सारा दिन इंतज़ार करते रहे हो, आपके फ़ोन के जवाब नहीं दिए गए हैं, और आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। आपको डाउट ज़रूर था, आप में से कई लोगों को डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ ज़रूर चल रहा है ना। क्योंकि अगर आप किसी चीज़, किसी का वेट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, और अच्छा खासा इंसान आपके साथ अच्छे बॉन्ड में रहते रहते अचानक से अगर वो बदल जाए, अचानक से अगर वो नेगेटिविटी दिखाने लगे, अपना असली चेहरा दिखाने लगे, रूड हो जाए, बदतमीज़ी से बिहेव करने लगे, इग्नोर करने लगे, तो कहीं ना कहीं डाउट्स और शक ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, चीज़ें हुई हैं, तो जो थर्ड पार्टी की मीटिंग्स हुई हैं उसका कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा तो लग गया था, एंड आप में से कई लोगों को पता भी चल गया था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप दोनों की लाइफ में आ चुकी है। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पर। फाइन, सो देखो, यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, है ना। जो ये धोखेबाज इंसान है, मैं बोलूँगी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, इसने जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब की हैं, आप दोनों को अलग किया है, आप दोनों में झगड़े करवाए हैं, और दूर बैठी बैठी बहुत ही खुश हो रही है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है, ये मतलब गलत इरादे रखे थे इसने, गलत बातें इसने सिखाई थी आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को स्ट्रेस दिया है और आपको भी स्ट्रेस दिया है। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा किए हैं वो इस थर्ड पार्टी ने ही किए हैं, और ये इस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को अभी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे फसाद की जड़ ये थर्ड पार्टी ही है। आप देखोगे थर्ड पार्टी के नीचे थर्ड पार्टी ही आया है। सो यहाँ देखो, यहाँ भी देखो अधूरापन है, यहाँ भी अधूरापन दिख रहा है। मोमेंट टू मोमेंट हर कदम पे परेशानियाँ आई हैं, यहाँ भी हर कदम पे परेशानियाँ इस पर्सन ने, इस थर्ड पार्टी ने दी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सो अधूरापन रह गया, और आपकी चीज़ें, आपका प्यार, आपका सामान, आपका सब कुछ दूसरे को दे दिया गया है। यहाँ तलवारें निकल आई हैं, तो आप दोनों के बीच में तलवारें निकल गई हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। और मतलब ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ये सोचकर, ये जानने के बाद कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। सी अलोननेस, यहाँ भी अकेलापन है, यहाँ भी अकेलापन है। सो आपके, जिस तरीके से आप अकेला फील कर रहे हो, उसी तरीके से अभी आपके पर्सन यहाँ अकेला फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप दोनों में ये एक सिमिलैरिटी ज़रूर आ रही है। देखो, ये चीज़ें यहाँ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये सब कुछ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, जो आपने झेला। आप इनकम्प्लीट रह गए, आपकी ज़िंदगी अधूरी रह गई है, आपके सपने अधूरे रह गए हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। हर कदम पर मुसीबत आई है, अकेले रह गए हो, बर्डन लेके चल रहे हो,
पास्ट में अटके हुए हो। सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी निकल के आ रही हैं कि आपके पर्सन ने आपका सब कुछ लेके छीन के दूसरे को दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मीटिंग करते रहे हैं, आपको कदम कदम पे पर्सन ने भी धोखा दिया है और इस थर्ड पार्टी ने भी दिया है। जो अकेलापन आपकी जिंदगी में है वो उस अकेलेपन से अभी आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं। सो देखो प्रेजेंट एनर्जीज जो है वो ये आ रही हैं। सो कार्मिक आठ नंबर का कार्ड आया है। सो कार्मिक तो देखो शुरू हो चुके हैं, परेशानियां इनकी लाइफ में शुरू हो चुकी है, तो दुख तकलीफ बहुत ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, कर्मा बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो समय का चक्र है वो घूम चुका है या घूमने वाला है। इनको इनकी चीजों का, इनको इनके किए का जो भुगतान है वो जरूर करना पड़ेगा। डिवाइन ने इनका कर्मा स्टार्ट कर दिया है। सो आप देखोगे कि इनको सहारे की जरूरत पड़ रही है अभी, ठीक है, ये अपने आप चल भी नहीं पा रहे हैं। तो जिस एनर्जी में ये अभी है ना, उसमें इनको एक सहारा चाहिए, राइट। अभी ये इस सिकनेस की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज की तरफ जा रहे हैं, एक अंधेरे की जिंदगी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देखो पास्ट एनर्जीज अभी मुझे ये दिखाई दे रही है कि पास्ट एनर्जी जरूर इनको अभी आ रही है, लेकिन प्रेजेंट एनर्जी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आना चाहते हैं, आपके साथ लिंक होना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदा बहुत हो रहे हैं, मुंह छुपाकर भागते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो अभी धोखेपन का एहसास है, ये इनको बहुत ज्यादा अभी डिवाइन करा रही है, तो क्योंकि कर्मा का एहसास इनको हो रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो बर्डन में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहां बर्डन फ्लैश हुआ है, उसके नीचे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये जो बर्डन आपको हो रहा है, ये जो पास्ट की एनर्जीज आपको जिसमें आप अटके हुए दिखाई दे रहे हो, एक बोझ आपके दिमाग पर है, वो यही आ रहा है कि आपके पर्सन ने एक भोला भाला दिल तोड़ दिया, आपके पर्सन ने एक नाजुक सा दिल तोड़ दिया है, इसको अंदाजा भी नहीं लगा है कि इसने किया क्या है ना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि अभी जो आपके पर्सन है उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नादानी में या जो भी अनजाने में जो भी इसने गलती की है ना, इसने कहीं जाने की, किसी अपने इच्छाओं को पूरा करने की जो इसने कोशिश की है, अपने प्यार को पाने की जो कोशिश की है इसने, वो अभी बहुत ज़्यादा इसको भी अधूरापन दिखाई दे रहा है, इससे गलती हुई है और इस चीज़ का एहसास इसको होता हुआ समझ में आ रहा है। ओके, सो यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ इनमें इसमें इमेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन थोड़ा सा केयरलेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ये भी एहसास है कि इनके इस केयरलेस एक्शन की वजह से, इनके सेल्फिश रीज़न की वजह से, ये आपका आप दोनों का जो रिलेशन था वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। और ये ना अभी गलत एक देखो क्या होता है कि जब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे ना, तब थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी। फिर से 3 नंबर का कार्ड, तो जल्दी जल्दी क्लेम करो। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ होने की वजह से जल्दी जल्दी कर्मा पहले तो क्लेम करो, क्योंकि यहाँ बहुत एक्सट्रीम थर्ड पार्टी आ रही है। क्योंकि यहाँ मुझे फिर से यही ये चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ तो भी यहाँ पे चल रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में या तो फिर से थर्ड पार्टी आ गई है, या तो इनके बीच में कोई ऐसा इंसान आ चुका है जिसने इनके बीच में इनको अलग कराने की कोशिश कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है मुझे कि आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, या तो आपके पास वापस आना चाहते हैं या कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। यहाँ भी दूर भागने का कार्ड आया है और यहाँ भी आ रहा है, तो चीज़ों को पकड़ के देखो, यहाँ भी सहारे की ज़रूरत पड़ रही है इनको, यहाँ भी सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, तो पकड़ के तो ये ज़रूर खड़े हैं, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं आपका सहारा ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एहसास इनको आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इनको भी ना एक वजन है, एक बोझ है इनके ऊपर भी कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और ये बोझ के चलते हुए ये अपने में सुधार लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है, सुधरना चाहते हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये गलत है, खराब चल रही है, आपके साथ ऑलरेडी इन्होंने सिचुएशन खराब कर दी है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं है ना अभी अपने ऊपर अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि आपके साथ भी इनका रिश्ता ठीक नहीं रहा, इस थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता ठीक नहीं रहा है। तो हो सकता है कि इनकी ही नादानी है, इनके अंदर ही समझ नहीं है रिलेशनशिप्स को आगे चलाने की, रिलेशनशिप को पूरा करने की, या किस किस तरीके से रिलेशनशिप अच्छे से चलाने चाहिए वो इनको नहीं आता है, तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं,
ठीक है, कि इनकी ही गलती हो सकती है क्योंकि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्तों को कैसे निभाना है, खुश कैसे रखना है और क्या इनको करना चाहिए कि इनका पार्टनर इनसे खुश रहे। ठीक है, तो इनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है तो ये अपने को इतना चेंज करना चाहते हैं, ये अपने अंदर कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस लाना चाहते हैं कि चीज़ें सुधर सके, चीज़ें अच्छी हो सकें, है ना। ये अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है और इनकी इनको जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि कर्मा इनका क्योंकि चल रहा है, कार्मिक पीरियड इनका चल रहा है, तो इनका कर्मा जो इन्होंने ख़राब कर लिया है, अपना अपना आने वाला समय जो इन्होंने बिगाड़ लिया है, अपनी किस्मत इन्होंने जो खुद ही ख़राब कर ली है, वो उसको ठीक करने के मूड में है, ठीक करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इन्हें खुशियाँ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड्स और लूँगी। क्या गाइडेंस आ रहा है? इंटेंसिटी, देखो बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत तेज़ी से इंटेंसिटी आ रही है, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, डिवाइन काफ़ी कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है। सो देखो ये अपने में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जैसा ये अपने को ये भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, है ना, और जो भी आपने उम्मीदें लगाई हैं ये उस चीज़ पे खरा उतर सकें। और एक करेज इनको चाहिए, इनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, इनके अंदर एक ताकत ख़त्म हो चुकी है, सो ये अपने अंदर एक हिम्मत लेकर आना चाहते हैं, एक करेज लेकर के आना चाहते हैं ताकि ये अपने को बदल सकें, आपको फेस कर सकें, आपकी लाइफ में खुशियाँ दे सकें। एंड बहुत देखो ये गोइंग विद द फ्लो, अभी तो ये फ्लो के साथ चल रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ को ऐसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं कि इनकी लाइफ का फ्लो ना ठीक हो जाए, क्योंकि अभी ज़िंदगी इनकी बहुत बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है, डामाडोल चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये खुद भी लोगों की ज़िंदगी से आ रहे हैं जा रहे हैं वाला सीन इनकी लाइफ में चल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है इनको, है ना। अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है और ये भी पता है कि ये नादान है, मतलब इनको समझ नहीं है रिश्तों की, इनको समझ नहीं है खुशियों की, इस वजह से ये दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से स्ट्रेस में। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेस में अभी दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, ओके, क्योंकि ज़िंदगी इनको अटका दी है, ज़िंदगी ने इनको इस मुकाम पे लाके अटका दिया है कि ये सप्रेशन वाले जोन में आ चुके हैं, इनको रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में अभी, सो फायर एनर्जीज़ बहुत निकल के आई हैं, तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है और सप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनकी ही गलती है। ठीक है, रिलेशनशिप ना चला पाना, ज़िंदगी में अधूरापन इनको परेशान कर रहा है, लोग इनसे परेशान हो चुके हैं और ये लोगों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि देखो जब आपको ज़िंदगी की समझ नहीं होती तो आप दिन पे दिन गलतियां करते हो, बार बार गलतियां करते हो और गलतियों से ही सीखते हो, तो इनकी कोशिश वही मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ ये इस एनर्जी से स्ट्रेस में जो अभी चल रहे हैं ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये अभी वहाँ उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, टेंशन में आ गए हैं, लेकिन ये बात एक एक ज़रूर है कि जब रास्तों से हम घबराने लगते हैं ना तो हमें वो चीज़ घबराहट हमें सुधारने लगती है ना। रास्तों से ना घबराएं, कठिन रास्ते अक्सर एक खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं, अगर हमारे रास्ते कठिन हैं ना, अगर हमारे रास्ते मुश्किल हैं तो वो हमें हमारी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। तो अगर ये अपने को सुधारना चाहते हैं, ये अपने को अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो इनका सुधार इनको एक खूबसूरत इंसान ज़रूर बनाएगा, इनको इनकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लेवल ज़रूर लेकर के आएगा, यही डिवाइन की यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आ रही है। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कर लीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू जरूर कर लीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो इसी रीडिंग के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर एंड करती हूं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।